खबर कृष्ण नगरी मथुरा से है, जहां राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत नव निर्वाचित प्रधानों को एक दिवसीय ऑनलाइन अनुमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न कराया गया, जिसमें विकास खंड की 41 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को गांवों में कराए जाने वाले विकास कार्यों और सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुँचाने के लिए प्रशिक्षित किया गया। गाँव को विकास कराओ, यही बात का सुने जानते हैं। जो भी कोई समस्या हो अधिकारियों के सामने रखो, अधिकारी आपका सहयोग करेंगे। ये बताएगा तो वित्तीय लेन देन के बारे में किस तरह से आप लेन देन कर पाएंगे विकास कार्यों में, कहां से क्या फंडिंग होगी, इसके बारे में कुछ समझाया गया है? फंडिंग के मामले में तो अभी तो कछु समझ में कोई बात आई ना, आवेगी तो बताएंगे आपको। आज हमारे यहाँ नव निर्वाचित प्रधान ग्राम पंचायत चौमुआ के सभी प्रधानों को आमंत्रित किया गया और यह ट्रेनिंग हमारी लखनऊ लेवल से और डीडी ऑफिस आगरा मंडल आगरा से जुड़ी हुई थी और वहाँ से हमारे जो ट्रेनर्स थे उन्होंने ग्राम पंचायतों के बारे में पहले सत्र में उसकी गतिविधि कैसे संपन्न की जाती है उसको बताया गया। उसके बाद दूसरे सत्र में जो तकनीकी परेशानियां हैं उनके बारे में प्रधानों को बताया गया। आपको बता दें कि गंगरौली प्रधान ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में गांवों को किस तरह से विकसित किया जा सकता है इसके बारे में बताया गया और गांवों में स्वयं सहायता समूह बनाकर स्वरोजगार स्थापित कराया जा सकता है। इससे गांव में रहने वाली महिलाएं अपने घर पर रहकर आमदनी बढ़ा सकती है। वहीं अस्तौली प्रधान रूपचंद ने बताया कि गांवों के विकास के लिए आने वाली धनराशि का सदुपयोग किया जाएगा। इस अवसर पर एडीओ पंचायत विनोद कुमार, एडीओ आईएसबी अजय पाल सिंह, पंचायत सचिव चौधरी ब्रजमोहन सिंह, जुगेंद्र सिंह, दाऊद दयाल पाठक, तुलाराम कुशवाहा, प्रशांत कुमार, तरुण वर्मा, पवन कुमार, विकास उपाध्याय, हरवेंद्र सिंह, कंप्यूटर ऑपरेटर राजवीर सिंह मौजूद रहे।